Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. आइए और अपना निशाना आजमाइए। आप सर इनके लिए खेलना चाहेंगे? पावर डैम्पर्स ऑफ, सारी पावर तुम्हारे बाजू में चली गई है। मैं समझ गया। तुम्हें पता है ना ये गेम रिग्ड है? रिग्ड? हाँ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ तुम लगातार इस बियर को देख रही। यू लाइक इट ना? हाँ मगर क्या फायदा, तुम हार गए। मुझे अभी जाना होगा बाथरूम। अभी? तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं? हाँ चलो चल के उनको बचाते हैं। टाइम टू गो टर्बो। गो टर्बो। फ्लैश। गुड वर्क पॉपाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैच चेंज। ये मामला काफी पेचीदा है। ना ही उस शिप का निशान मिल रहा है, ना ही उसके क्रू का। I'm not sure कि क्या है, मगर ये एक अच्छी हिंट है। चलो चलकर देखते हैं क्या मिलता है वहाँ। कैट और जेफरसन वहाँ जा चुके हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं। अंकल फेरिस, क्या मैंने कुछ गलत किया? हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मुझे तुम दोनों की एक और काम के लिए जरूरत है। आपके माइंड में क्या चल रहा है? हम काफी अरसे से एलिमेंटर से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी फायर पावर को रिफाइन करने की जरूरत है। तो टारगेट क्या है? टर्बो टाइम। यस प्लीज। गो टर्बो। यकीन नहीं आता कि अंकल फेरिस सब कुछ समझते हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा। मेरा ख्याल है हमने साबित कर दिया है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब हमें और क्या कुछ साबित करना पड़ेगा? हमने कॉपर कैरिन को बचाया, लोगों की जान बचाई बुरे लोगों से, और अंकल फेरिस ने हमें यहाँ पत्थरों से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। और अब पानी आएगा अपेरेंटली। पानी आएगा क्या मतलब? ये तो हम प्री स्कूल में खेलते थे। जमीन, पानी, आग, रुको, कहीं इसके पास हवा की बारी तो नहीं? हाँ, enough is enough. Finally, मैंने गार्डन हाउस को हरा दिया। कौन कौन एक्साइटेड है फील्ड ट्रिप पे जाने के लिए? किसी फील्ड का एक ट्रिप? क्या ये बिग इवेंट है? नहीं स्टील, फील्ड ट्रिप का ये मतलब नहीं कि हम एक फील्ड में जा रहे हैं। इसका मतलब एक दिन पढ़ाई की छुट्टी, और इस दफा हम किसी ऑसम जगह जाएंगे। गैंट्री आर्म क्लियर है, काउंटडाउन शुरू करो। वो क्या है? What is that? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनामी। काउंटडाउन को रोको फौरन। भागो यहाँ से, किसी ऊंची जगह पर स्टे करो। वो मुझे बाथरूम जाना होगा फौरन। इसको वाकई पानी से कुछ प्रॉब्लम है। आखिर तुम इतनी बड़ी लहर को कैसे रोकोगे? आई डोंट नो, मगर मुझे लगता है तुम जरूर कुछ ना कुछ हल निकालोगे। मैं? बड़ी होती जा रही है। अगर हम इसकी चोटी को काटते तो हम इसे आहिस्ता कर सकते हैं। ऐसा है तो आओ सर्फिंग करते हैं। बियर्ड, मैं हाइपर हाइड्रोजनेटेड वाटर को डिटेक्ट कर रहा हूँ। हम इसे काट कर साइज कम नहीं कर सकते। ऑलराइट, मामले क्रू को निकाल लिया। नो वे। मैंने एक लहर को पकड़ते हुए देखा। आखिर तो हो क्या रहा? तुम ठीक तो हो ना? मेरी फिक्र छोड़ें, ये बताएं मॉम कहाँ है और क्रू? कम अज कम हम ये तो जानते हैं कि वो जिंदा है। मैक्स, क्रू ने गियर पहन रखे थे जो उनके वाइटल्स को ट्रैक करता है। वो सब ठीक थे जब तक हमें सिग्नल्स मिल रहे थे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे मैक्स। नहीं, मैं ढूंढूंगा उन्हें, मैं और स्टील। आपकी क्या प्लानिंग्स हैं अब तक? What's your next move? Take it easy. What do you mean take it easy? मेरी मॉम गायब हुई है। एंटैक ढूंढ लेगा। क्या हम एंटैक का हिस्सा नहीं? सीरियसली अंकल फेरिस, कभी-कभी लगता है आप मुझ पर एतमाद ही नहीं करते। मैं जानता हूँ तुम ये समझते हो कि हर चीज के लिए तैयार हो, मगर ऐसा नहीं है। तुम दोनों को अब भी बहुत कुछ सीखना है। तुम यहीं रहो और सब कुछ हम पर छोड़ दो, ये मेरा ऑर्डर है। मैं आराम से बैठने वाला बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। यही वो जगह है जहाँ टैंकर डूबा था। ठीक है फिर, चलो इसकी तह में चलते हैं। राइट। हमारे पास स्कूबा मोड कब से आ गया और तुमने इससे पहले शटल लॉन्च के वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उस वाक्य के बाद ही तो मैंने इस मोड को सर्च किया है। कैट और जेफरसन ठीक थे,
टैंकर का यहाँ कोई नामो निशान नहीं। लेकिन मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ हाइपर हाइड्रोजनेटेड पानी। पानी की केमिकल साफ मैनिपुलेट की जा चुकी है, तो इसी पानी को आसानी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे ये जिंदा वजूद हो। ये क्या है? द टैंकर, द ऑर्बिटर, मॉम कैसियो भी, सारी गायब हुई चीजें यहाँ है। ये वो सबमर्सिबल है जो कैटर जेफरसन इस्तेमाल कर रहे थे। और एंटिक समझ रहा था कि वो ये सब चीजें हैंडल कर लेगा। वो देखो हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे थे, हम उन लोगों को ढूंढ रहे थे जिन्हें तुम यहाँ ले आए हो। वो लोग मेरे कब्जे में, अगर तुम सोच रहे हो यहाँ से ले जाओ तो बेहतर होगा भूल जाओ। स्टील, क्या तुम इसे जानते हो? नो, आई एम प्रीटी श्योर मैं किसी 20 फुट लंबे वाटर मॉन्स्टर को नहीं जानता। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी एक अल्ट्रालिंग हूँ। एक अल्ट्रालिंग? पहले मेरे दो साथियों से मिल चुके हो, आग और जमीन से। तभी जाने पहचाने लग रहे थे। तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने उनका किया। तुमने तो मिस कर दिया। अब समझ रहे कि ये पानी को कैसे कंट्रोल करता है? ये एक अल्ट्रा लिंक है। क्या हम जीत गए? ये क्या है? जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगा और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। काफी मेहनत के बाद मैं अपनी स्पेस शिप की मरम्मत करने में कामयाब हुआ, मगर मेरी शिप के लिए तुम्हारे प्लेनेट पे फ्यूल ही नहीं था। फिर मुझे पता चला कि ह्यूमंस में इतनी एनर्जी होती है कि मेरे शिप को पावर दे सके। अगर ये पावर कन्वर्टर्स फुल स्ट्रेंथ पर पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। शायद तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। इसका कोई ना कोई वीक पॉइंट तो जरूर होगा। और मेरा काम हो गया। क्या तुम इस डिलीशियस बट पाई का मजा चखोगे? ये काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं पा रहा? ये वक्त है इसे ट्राई करो। टैंकर क्रू और शटल एस्ट्रोनॉट्स, वो ठीक है? चेकअप हो रहा है उनका। शायद हमें इतना सीखने की जरूरत नहीं जितना आप समझते हैं। सीमेंट बनाने का ख्याल बहुत ही अच्छा था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हम पे भरोसा करें। इस गेम का पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो ये कलाई से होता है। तो तुम यहाँ हो मैक्स? Hey, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है मेरे अंकल फेरिस। कौन? इसका मतलब है ये बेयर। तो फाइनली तुमने जीत लिया। नाइस टू मीट यू अंकल फेरिस। बीच पर मेरे साथ कौन जाएगा? चलो चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है आज हमें वहाँ कुछ हाईवेज मिल जाए। ओके, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। वेट व्हाट? तुम्हें बार बार वॉशरूम जाना होता है ना? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हम किर्बी को भी सीमेंट बना सकते हैं?